देखो यार चाहे कोई कुछ भी कहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। आज है 20 अप्रैल और आज मैंने ब्लॉग किया है थोड़ा सा लेट स्टार्ट, क्योंकि सुबह से काम में ही लगी थी तो टाइम ही नहीं बना ब्लॉग बनाने का। एक कैपस्टोन का प्रोजेक्ट, उसकी डेडलाइन थी कुछ आज, वो सबमिट करनी थी, वो मैंने करी नहीं थी, रात में मैं सो गई थी, तो फिर मैंने आज जल्दी जल्दी सुबह वाइंड अप किया। और अभी जाना है कॉलेज, लैब है एक, बस एक लैब के लिए इतनी धूप में जाना, और ऊपर से 2:40 पे लैब है। इस समय पूरा सूरज अपने चरम सीमा पे है, बहुत तेज़, उसके लिए जाना है। और अभी लगाते हैं सन क्रीम, क्योंकि आजकल मैं बैठी हूँ नीचे बेड पे, पता नहीं क्यों मुझे क्या मजा आ रहा है, पर ठीक है। अभी मैं मासी से बात कर रही थी, तो मेरी मासी के बच्चे थोड़े 10th 11th क्लास में हैं, शायद 8th 9th में, तो उनके स्कूल बंद कराने के ऑर्डर दे दिए गवर्नमेंट ने कि हीट वेव्स हैं, बहुत डेंजरस हो गई हैं, तो मई तक ही एग्ज़ाम्स वगैरह वाइंड अप कर दो। तो भाई हमारे भी कर दो, हम भी इंसान ही हैं, हमारी स्किन और उनकी स्किन में ऐसा क्या अंतर है। माना कि 2-3 साल बड़े हैं उनसे, पर मर तो हम भी सकते हैं, हमारे लिए भी कुछ कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात, ये जो लड़की खड़ी है ना बैठी है, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। इसने इस डायग्राम को कहा है जहर, ये जो क्लास है ना यहाँ चिपकेगा। मैं पापा आ रहे, मैं डैडी आ रहे, डैडी आ रहे हो, मेरे डैडी बाप पे भी यार सर जा चुके हैं, और इन लोगों की डेडिकेशन देखो। हाँ तेरी भी, ये देखो मुझे तो बैठा रखा है जबरदस्ती, इसका मैं ग्राफ फाड़ दूँ अभी तो। तेरा मुंह तोड़ दे, पूरा कटा है ना अभी, इतना अभी अभी नहीं अभी भी नहीं। अरे ये 3 रीडिंग तो लिख लूं यार, चिल्ला मत, चिल्ला नहीं रहा हूं, तेज आवाज में बोल रहा हूं, चिल्लाई हूं मत, चिल्लाई हूं। ए क्या बोली तू, क्या बोली, इसका चेक नहीं होने वाला, फिर भी लड़ नहीं सकते। अनिरुद्ध नहीं होने, मैम ने मना कर दिया ना, नहीं होगा तो लिखूं ना, अपने घर जाके नहीं आई, नहीं लिखूंगा, क्या करूं, मेरे ठीक है रख रहा हूं यहीं पे, हम जा रहे हैं, चलो चलो भागो, चलो निकलो, चलो ऐसी बातें करा लो, हट चल। अदिति आ जा बेटा, मैं नहीं कुछ लिख रही, लिख मुश्किल, अदिति को फंसा लिया उसने। स्टैंड इट इज एंड इवनिंग में यू कैन राइट एनी नेम व्हिच माइट फाइंड इट फनी नेम, या किसी का नाम रख दे। फंसा लिया उस लड़के ने हमारे इवेंट में रजिस्टर करने के लिए। नो नो नो, फंसा अनिल और अनिरुद्ध फंसा है, कर भी रहा है, ये तो कर भी रहा है। अरे कोई इवेंट लगाया नहीं है कॉलेज जाके, बहुत जल्दी रियलाइज हो गया। देख मन तो था बॉलीवुड नाइट का कभी कुछ होना चाहिए कॉलेज में, बट ये क्लब्स या ऑर्गेनाइज छोटे छोटे क्लब्स, छोटे छोटे बच्चे करा रहे हैं, ये कोई सीरियसली नहीं लेने वाला इस चीज, एक्चुअली ये होगा भी कब, उसमें कोई ऐसा म्यूजिक थोड़ी होगा, और क्या कोई सीरियसली नहीं। मैं ये डस्टबिन नहीं दिखा रही, मैं ये दिखा रही हूँ, ये दूसरी सोसाइटी हमारे कॉलेज की, जिसमें क्या होता है टोस्टमास्टर, अबे जाके बोलते हैं बस, हाँ बोलना होता है, स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग। पागल हो गए, पागल हो गए स्किपी के पीछे, क्या होती है स्किपी, मेरे को दिखाओ, दिखा, मैंने क्यों नहीं खाई, दिखाइए अनिरुद्ध, ओ ये क्या लिखा है, ओ माई गॉड, करता साला ओवर एक्टिंग की औलाद। अब स्कीपी अच्छी है ना, पिंक गुआवा 10 रुपए की है बस। मेरी सेवा भाभी लड़की इस कचड़े में से बॉटल उठाई और पानी भर के लाई है, इसको लगा कुत्ता प्यासा है, सारा सेवा भैया निकल गया, अब उसको पानी नहीं पीना, अरे पानी पी ले उसको, सेमक्स करना है पानी बेटा, उधर उधर उसको नहीं पीना, चल बेकार। बाय अदिति, बाय सैमजल, कैश निकालना था तो मैं आ गई हूँ। पैसा
आ गई हूँ और सबसे पहले मुझे चाहिए ठंडा पानी। ऐसे मुझे बचपन याद आ जाता है। अभी घर आओ, वैसे तो फ्रिज पूरा पानी से भरा रहेगा। स्कूल से जब भी तपती हुई गर्मी में साइकिल चला के आओ। मम्मी ठंडा पानी वो तो रखा नहीं है, अभी अभी रखी है बोतल। ऐसा गुस्सा आता था मेरे होठों को, पता नहीं क्या हो रहा है यार। अभी तो कोई मौसम भी ऐसा नहीं है, फट रहे हैं, अजीब से हो रहे हैं। अर्जेंटली कॉल आया कि उसको बर्गर किंग खाने का मन कर रहा है और बर्गर किंग कॉलेज के पास है, वो भी कॉलेज में थी तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ लेकिन मैं ब्लॉग अपलोड करने लग गई, तो मैं यही पहन के जा रही हूँ चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, इसके अंदर अभी अभी खुला है बर्गर किंग। किधर है? और इधर ही। एक बार मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए और उसके बाद वो मुझे पसंद भी नहीं आई। कॉफी स्टाइल भी आई मुझे आज पता चला है, इसलिए इतनी एंड तक आते रहते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ 99 वाला मील। क्रिस्पी वेज। ओके, यही है, मस्त है, सस्ता सा। इनका नीचे सिटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया नहीं है। तो मैं बड़े चाव से नीचे तो आई थी, नीचे चल खनक नीचे चल, लेकिन यहाँ अभी नया नया बनाए तो आँखों में चुभ रहा है, आँखों में चुभ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर ही चले जाएं। लाइट वापस आ गए हैं और ये हो चुका है चेक्स कंप्लीट और पूरा अपलोड हो गया है। अब मुझे बस थंबनेल डालना है, बाकी अपलोड करते हैं फटाफट। चल रही है, कूलर का प्लग बंद है। हो, ये अभी घूम रहा था यार, सब खराब हो गया। बेइज्जती करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी बेइज्जती करती हैं। टिक टॉक टिक, ये 1920 जब आई थी तब उसमें ऐसी तो वॉक करती है। टिक टॉक टिक, छोड़ो पढ़ना है, पढ़ने बैठ रही हूँ मैं अब। कम से कम 3-4 बार चकमा खा चुकी हूँ मैं स्कूटर से। मैं फ़ोन उठाती हूँ बंद हो जाता है, फ़ोन उठाती हूँ बंद हो जाता है, वापस घुमा वापस। अब की तो मैंने पकड़ लिया। अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग एंड। किचन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई है और डायरी लिखूँगी अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर तक फिर सोऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये मेरी यूनिकॉर्न वाली डायरी, बीच में मुझे यूनिकॉर्न्स का क्रेज हो गया था। अच्छा चलो, बाय।